हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो निफ्टी जस्ट निफ्टी अभी चालू है। आज इलेक्शन का कौन सा जो दिन था, इलेक्शन का जो दिन था उसमें मार्केट जो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, इधर से रैली के लिए जो बुलिश मोमेंट थी, बहुत बड़ी बुलिश मोमेंट थी। ये मोमेंट तो मैंने कैप्चर नहीं किया, इधर से मोमेंट मैंने कैप्चर नहीं किया जो आपको अभी बताने वाला हूँ। जो मैं स्ट्रैटेजी, मतलब सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो बिगनर से नए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उनको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता, उनके लिए स्ट्रैटेजी खास कर दो। आपको सिर्फ करने का गया सिर्फ देखना है। जस्ट मार्केट इधर से ओपन हुआ, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, फर्स्ट वाली कैंडल उसका इधर, मतलब उसका हाई और लो, अभी लो तो इसने बनाया दूसरी कैंडल के ऊपर है। अगर दूसरी कैंडल भी रेड बनती है उसको दूसरी, जब तक ग्रीन नहीं बनती, मतलब ग्रीन 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 बनती नहीं, तब तक इसका लो हाई लो लगा के चलने का है। इधर से किधर भी ब्रेकआउट आता है आपको बहुत बड़ा मोमेंट देगा। इतना मोमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना भी मोमेंट मिल गया ना, मतलब दो तीन कैंडल का बस हो गया। निफ्टी में दो तीन कैंडल बहुत बड़ी कैंडल होती है, पहली बात तो ये समझो, निफ्टी में दो तीन कैंडल भी बहुत बड़ी होती है, निफ्टी में दो तीन कैंडल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे देखो देखो इसका हाई क्या था, इसका हाई था ही, ये जो रेड कैंडल ख़त्म हुई उसका हाई कैंडल है, इसका हाई था, जो हाई इधर से इसने इधर तक मोमेंट दिया, बहुत बड़ा बुलिश मोमेंट दिया इधर साइड। जस्ट आपको वही समझने का है, हाई और लो, हाई लो की स्ट्रैटेजी नहीं है आपको, सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट समझो इधर से एक सेलिंग करके चलते, बस ये सब बात समझने की है आपको, ये बात समझने की। जस्ट बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड भी लिया था, बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी में, सॉरी। आपको ये बात समझने का है, सिर्फ वर्क करते रहो। ये देखो इसका हाई मैंने ये लगाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चलना कभी भी, इधर का हाई इधर का हाई, इधर से मार्केट इधर तक गया, बहुत बड़ा मोमेंट लेके गया। आपको सिर्फ ये बात को समझने का है, समझ गए ना आप, बहुत बड़ा मोमेंट दिया मार्केट ने। और दिखाना चाहता हूँ, समझ गए ना आप, सिंपल स्ट्रैटर्जी है, बाकी कुछ नहीं। जो पहली वाली कैंडल होती है उसको क्लोज नहीं दो, इसका हाई और लो लगा के चलो, कब हाई लगाने का कब लो लगाने का यो भी बस समझो, हाई जब कब लगाने का। इसके ऊपर अगर कौन सी भी ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के, अगर एक रेड कैंडल बनती है, इधर एक रेड कैंडल बने, मतलब इसका हाई इधर ही होगा। अगर इसके रेड कैंडल के आगे इसने लाइन ब्रेक करके अगर उसने ग्रीन कैंडल बना के क्लोज़ की, इधर इस साइड में क्लोज़ की, देखो कितना बड़ा मूवमेंट है बैंक निफ्टी में। इतना बड़ा मूवमेंट मतलब 300-400 पॉइंट का लगभग है। आज इलेक्शन मूवमेंट था ना, इसके लिए इतना बड़ा मूवमेंट आया। बाकी दिखा था उनको, कल भी वैसा ही था। ये देखो फर्स्ट कैंडल ऊपर, सेलिंग की भी एंट्री दिखा दो। वेट इसका लो आप ही बताओ कमेंट में, आप ही बताओ पहली बार। जैसे देखो ये फर्स्ट वाली कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, इसका हाई, ये रेड कैंडल फिर से बनी, इसका लो बना, इधर से इसने जो मूवमेंट दिया इधर से बियरिश मूवमेंट। सिर्फ ये बात को आपको समझने का है, बस आपको जस्ट समझने का है, हाई और लो मतलब सिंपल स्ट्रैटर्जी, ये कोई भी यूज़ कर सकता है जो बिगिनर से। और स्टॉप लॉस लगा के चलना, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाना। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो पहले मार्केट को सीखो, तीन महीना दो, सिर्फ तीन महीने में आपको जो भी लर्निंग आते हैं वो सब एक बुक में लिखो, फिर जाके आप ट्रेड लो। फास्ट ट्रेड मत लो। सेलिंग का भी एंट्री वैसे ही, इधर से अगर इधर बना, इधर एक रेड कैंडल बनी, अगर उसकी अगली वाली कैंडल अगर ग्रीन बना के ऊपर आ रहा हो, ग्रीन बनाती है क्लोज होती है, तब बाइंग जा सकती है। अगर रेड बनाती है, अगली वाली भी कैंडल रेड बनाती है, तो इधर दो रेड कैंडल के नीचे एक सपोर्ट लगाने का, इधर एक नीचे रेड कैंडल बनाती है, मार्केट सेलिंग ही जाएगा कन्फर्म। बस आपको ये बात समझनी चाहिए बस। और दिखाना चाहता हूँ, देखो फर्स्ट ये देखो ये भी सपोर्ट रजिस्टर में नहीं लगा था, सिर्फ एक छोटा सपोर्ट लगा था, रजिस्टर लगा था, देखा छोटी कैंडल है। देखो ये देखो एक छोटी कैंडल रेड बनी, एक छोटी कैंडल रेड बनी, इसका हाई यही था, इसे ब्रेकआउट दिया, थोड़े धीरे धीरे करके मार्केट ने ऊपर गया। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक रुकना चाहिए। ये बैंक निफ्टी की बात करिए, मैं निफ्टी का भी दिखा था। ये देखो निफ्टी का ये फर्स्ट वाली कैंडल इसका हाई, ये क्या बोला था, फर्स्ट वाली कैंडल अगली वाली कैंडल ग्रीन बनती है अच्छी है, अगली नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बनाती है,
फिर से इधर ग्रीन बनाती है, और फिर से अगर रेड बनाती कल को चलेगा, सिर्फ रेड कैंडल ऊपर होनी चाहिए और नीचे में ग्रीन कैंडल होना चाहिए। रेड कैंडल बनाती है, क्लोज करती है, अगर इसके ऊपर जाते हैं मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, बहुत बड़ा ऊपर गया। ये सिंपल स्ट्रैटर्जी है, बहुत सारी सिंपल स्ट्रैटर्जी है, बस आपको एक मायने में रखना है। मार्केट में 3 महीने आपको लर्निंग करना पड़ेगा। ये देखो, ये भी एक सिंपल, इसका हाई यही था, फर्स्ट वाली कैंडल इधर से कंसोलिडेट होया। कंसोलिडेट मार्केट में यही होता है, इधर से हाई था, इधर से बहुत बड़ा मूवमेंट दिया जो कि हाई को उसने ब्रेक किया और बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। बस आपको वही बात समझने का है। इधर से पूरा साइडवेज ही था, इसमें कुछ नया नहीं। हाँ, अभी सेलिंग का भी दिखा दो। ये देखो, इधर से इसना फर्स्ट वाला कैंडल, अगली वाली कैंडल ग्रीन हो रेड, नेक्स्ट वाली रेड बनी है अगर ऊपर, तो अगली वाली कैंडल भी रेड बननी चाहिए। उसको सपोर्ट लगा के अगर क्रैश होती है और रेड कैंडल होती है तो सेलिंग जा सकता है। इधर ग्रीन बनी, फिर से उसका हाई, फिर से इधर रेड, फिर से उसका हाई लगाया, फिर से इधर ग्रीन बना, इधर पूरा बेयरिश मूवमेंट दिया, मतलब मार्केट सेलिंग ही जा सकता है, और गया भी। पर इधर छोटा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, कभी कभी होता है, कभी कभी सेलर भी एक्टिव होते हैं, बायर्स भी एक्टिव होते हैं। ये देखो, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल है। ये देखो, इधर इधर से इधर ऐसा छोटा छोटा करके, छोटा मतलब आपको निफ्टी में ज़्यादातर बोलूँ ना तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना। निफ्टी में अगर आपको 4-5 पॉइंट भी मिलते हैं ना तो बहुत हो गए, नए नए लोग, सिर्फ सीखो मार्केट में। बस, थैंक यू।